उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया है। गुजरात के भरूच में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सल अपना वेश बदलकर गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राज्य के युवा उनके इरादों को सफल नहीं होने देंगे। अपने गृह राज्य के दौरे पर आए मोदी ने चुनाव माहौल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखे सियासी हमले भी किए। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने के मामले पर उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने दलील दी है कि आयोग ने बिना किसी सुनवाई के ही ये आदेश पास कर दिया है। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पानी के बकाया बिलों पर लगने वाले लेट फीस 100% माफ करने का ऐलान किया है। अब उपभोक्ता बिना लेट फीस के अपने पुराने बकाया बिलों को भुगतान कर सकते हैं। पत्राचौल स्कैम मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को राहत नहीं मिली है। अब उन्हें 17 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसी दिन उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई पहुंच गया है। सैफई पहुंचते उनके अंतिम दर्शन के लोगों की भीड़ उमड़ आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचने वाले हैं। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया। उन्होंने नेताजी के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर बात भी की, अपनी संवेदनाएं प्रकट की और सीएम योगी ने यूपी सरकार की ओर से 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई। कलेक्ट्रेट और विकास भवन को सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं विकास भवन में सितंबर में तैयार की गई बुकलेट भी अपडेट की जा रही है। सितंबर में सीएम योगी के आने की चर्चा थी, तभी विभिन्न विभागों की बुकलेट तैयार की गई थी। सीएम योगी का कोई अधिकृत कार्यक्रम प्रशासन को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बारिश में मलेरिया, डेंगू, कालाजार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलने की आशंका बहुत रहती है। इसको लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। प्रदेश में चले संचारी रोग नियंत्रण अभियान को अंतर विभागीय समन्वय के धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद 8 अक्टूबर से चलाए जा रहे प्रदेश के सभी जिलों में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग की कार्रवाई के संबंध में आज हुई समीक्षा बैठक में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने अब तक की सारी जानकारी दी है और पूरी रिपोर्ट भी प्रदेश स्तर की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।